नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव। एग्री एशिया के इवेंट में यहां हम पहुंच चुके हैं मारो ड्रोन टेक के इस स्टॉल पर। यहां हमारे साथ मौजूद हैं ड्रोन पायलट आशीष चौधरी जी। ये ड्रोन पायलट किसानों के खेतों में जाकर वहां पर ड्रोन उड़ाकर उनको सुविधा प्राप्त कराते हैं अलग अलग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को स्प्रे कराने की। सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ग्राउंड लेवल पर किसानों का क्या रिस्पॉन्स है ड्रोन्स को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी और मैं मेहसाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी ये ड्रोन का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, जो किसानों को बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि उनका मैन पावर बहुत कम हो गया है पहले तो। और दूसरी बात कि फसल से जो हैंड से स्प्रे करते थे, तो किसान होते हैं ना वो बहुत अनपढ़ होते हैं, तो वो कभी भी नहीं ग्लव्स यूज़ करते और नहीं मास्क यूज़ करते, तो उनका हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से इनसे उनका काम बहुत फास्ट हो गया। क्योंकि इनके इसमें ड्रोन से स्प्रे करने में इनको एक एकड़ में 5 से 6 मिनट लगता है, जो उसमें वो हैंड से या ट्रैक्टर मोल्डेड से करते थे तो पूरा एक दिन चला जाता था। और उनका खर्चा एक एकड़ में जो होता रहा, इनसे आधा खर्चा इसमें ड्रोन में हो रहा। क्या सर ये किफ़ायती पड़ रहा है किसानों को? क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है इसको लेकर? रिस्पॉन्स किसानों को इसलिए मिला है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। जो हैंडपम्प से करते हैं और एक ट्रैक्टर मोल्डेड से करते हैं, उनसे 10% ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं वो आपको डिटेल में समझाता हूँ कि वो 10% कैसे मिल रहा है, क्योंकि वो हैंड से करते हैं तो कई बार बीच बीच में गैप छूट जाते हैं, और जो लेबर होता है तो शुरुआत में उसका फिर वो फील्ड पे जाता है तो 2 पंप तक तो उसका स्पीड बहुत अच्छा रहता है, बाद में जब उसको भी थकान लगती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, और जब एंड में होता है तो फार्मर का दबाव होता है कि तुमने इसमें इतना पंप डालना ही है, तो वो बाद में स्पीड का है, तो बीच में जो गैप रहता है उसमें फार्मर को दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें फार्मर की दवाई भी वेस्ट हो जाती थी और लेबर का चार्ज भी वेस्ट हो जाता है। सर, आपने और कंपनीज के एग्रीकल्चर ड्रोन अभी तक चलाए हैं? नहीं, मैंने मारुति का ही इसलिए चुना क्योंकि मुझे मारुति का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा चले तो, क्योंकि इसका जो मटेरियल और सबसे ज़्यादा बेटर है ड्रोन में सर्विस प्रोवाइड, क्योंकि हम जब भी सर्विस फार्मर लेता है तो उसका जब क्रैश होता है, इसका क्रैश का कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं होता, वो पायलट और हवा के दबाव के हिसाब से उसका वो क्रैश हो सकता है। तो कई बार क्या होता था कि जो फ्लाई करते थे वो क्रैश होता रहा, तो एट अ टाइम उसको सर्विस नहीं मिलती, तो ड्रोन का कोई मतलब नहीं है। 10-15 दिन के बाद तो उसका खेत भी खत्म हो गया होगा। इस हिसाब से मैंने मारुति का ज़्यादा बेटर मुझे लगा। सर, पेलोड की बात करें तो कितना पेलोड ये ले लेते? 11 लीटर का पेलोड का मेरे पास अभी ड्रोन है, जो एक एकड़ में कवर, मैक्सिमम एक एकड़ कवर करता है 11 लीटर। सर, सिंगल बैटरी में ये कितना उड़ता है? सिंगल बैटरी में ये 2 एकड़ कवर कर लेता है। अच्छा, हाँ। और मैं एक डिटेल में ये बताना चाहता हूँ, फील्ड के हिसाब से ये ड्रोन कवर करता है। अभी आपका खेत छोटा है, बीच में झाड़ियाँ ज़्यादा है, तो 1.5 एकड़ ही कवर करेगा। लेकिन सर, अभी भी कई गुजरात में किसान हैं जो एग्रीकल्चर ड्रोन को की सुविधा लेने से कतराते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इससे हमारी खेती खराब हो सकती है। सर, उनके लिए आप कुछ संदेश दीजिए गुजराती में। मैं किसानों को एक बात समझा मांगू छू कि ड्रोन थी फायदा और नुकसान बनने से लोग, पर फायदो इतना माटे छे कि ट्रैक्टर लीधा पछी ये ट्रैक्टर नी भूल नथी, ड्राइवर ऊपर जाए छे, એટલે હા, ઘણી જગ્યાએ એવા પ્રોબ્લેમ થયા છે કે પાયલોટ ની ભૂલ ના કારણે ખેડૂતોમાં અવેરનેસ નથી આવતો, એટલે ખેડૂતો માટે સૌથી સારું બેસ્ટ છે પછી પ્રોપર પાયલોટ ની ગાઈડન્સ ઉપર જાય છે, કેટલી પ્રોપ ઉપર હાઈટ કેટલી રાખવી કેટલી ના રાખવી એ પાયલોટ ઉપર હોય, ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, પાયલોટ કઈ રીતે ફ્લાય કરે છે એના ઉપર છે મહેનત, ડ્રોન બહુ બેસ્ટ વસ્તુ છે। અને મેં આજ સુધી મારા એરિયાની અંદર છેલ્લા 2 મહિનાની અંદર જ મેં ડ્રોન ચાલુ કર્યું છે। મારો એરિયા એક એવો વિસ્તાર છે કે બહુ પછાત એરિયા છે, જો ખેડૂતો છે, એક્ટિવ ખેડૂતો બી છે, પણ ખેડૂત બધા ભણેલા નથી હોતા, બરાબર, એટલા માટે ખેડૂતોમાં શું છે અવેરનેસ લાવવી બહુ જરૂરી છે। અને અત્યારે 1 એકર વાળો બી મને બોલાવે છે ને 500 એકર વાળો બી મને બોલાવે, કારણ કે એમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે ત્યારે લોકો બોલાવે, ખેડૂત સૌથી હોશિયારમાંથી હોશિયાર ખેડૂત હોય છે બિઝનેસ કરતા પણ,
કારણ કે ખેડૂત એટલા માટે કારણ કે એ બધી વસ્તુ પરખી ને લે અને એના માટે 5-3 or 4 મહિનાની ક્રોપ છે એટલે રિસ્ક નથી લેવા માંગતો. तो आपने देखा कि एग्रीकल्चर में ड्रोन किस तरीके से किसानों के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और खेती में उनको काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, काफ़ी सुविधा प्राप्त करा रहे हैं. इससे किसानों को काफ़ी फायदा होता है, कम लागत में वे अच्छी उत्पादन कर सकते हैं और उनकी मेहनत भी बच जाती है. आप देख रहे थे फसल क्रांति. मैं हूँ आर्यमन यादव. नमस्कार.